लास्ट 7 to 8 डेज का टाइम बचा हुआ है एमएच ग्लॉसरी 3 इयर्स एग्जाम्स को लेके, क्या नहीं करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या अपन एग्जाम में करेंगे। सो डूज एंड डोंट आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को, जितने लोग अभी डीमोटिवेटेड हो या तो स्कोर कम आ रहा है 80-90 पे रैम्बल कर रहे हो, 70+ का स्कोर है, 100+ जा रहा है, कुछ लोगों का 100 तो पहुँच रहा है बट 100 से 120 नहीं पहुँच रहा है, ऐसे कितने लोग हो जिसका 100 पहुंच रहा है उसके बाद स्कोर बढ़ना प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो मुझे बताओ। अगर हो सकेगा तो मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा, अगर मेजर लोग का कमेंट में आता है कि हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी बताओ मुझे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है, आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन द सेम। मैंने काफ़ी वीडियोस 3 इयर्स के एग्जाम्स को लेके बनाए हुए हैं, यू कैन वॉच दोज वीडियोस, ठीक है। तो अभी 7-8 दिन बचा हुआ है एग्जाम्स को लेके, आज है 24 तारीख, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, 2 तारीख को एग्जाम है, तो मतलब हाँ 8 दिन का टाइम पकड़ लो, 7 to 8 डेज। सो नेक्स्ट जो 7 से 8 दिन का टाइम बचा हुआ है उसमें सबसे पहले तो चार्ज रहना है, मोटिवेटेड रहना है, मतलब नथिंग कैन मोटिवेट यू मोर देन दिस। GLC में जाना है, ILS पुणे में एडमिशन चाहिए, मतलब ये 2 टॉप बेस्ट कॉलेजेस है इन महाराष्ट्र थ्रू CET, ठीक है। यहाँ जाने के लिए 120 का प्लस का स्कोर, यहाँ जाने के लिए 110 से 115 के आसपास का स्कोर। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, बट अगर आप OMS आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो अपना स्कोर 125+130 के बीच में पकड़ के चलो फॉर GLC, ठीक है। सो नेक्स्ट 7 to 8 डेज में आपको ये सारी चीज़ें डेफिनेटली माइंड करनी है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है कि आउट ऑफ 150 किसी में लेट्स से कि 110 का स्कोर आ गया, या मैं पहले मेरा स्कोर 80-90 था अभी अचानक से 110 आ गया, तो अपन हवा में हो जाते हैं, तो अपने हवा में नहीं होना, अपने को ग्राउंडेड रहना है, ठीक है। तो और ऐसा भी नहीं होना चाहिए अंडर कॉन्फिडेंट, यार स्कोर कम आ रहा है, इसमें 50 आया फिर 60 आया 70 आया, अब तो लग रहा है कि छोड़ ही दो स्कोर ही नहीं बन रहा, तो अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, ठीक है। यू नेवर नो कि एक्चुअल CET क्या होगा, एक्चुअल CET में आप हो सकता है कि आप 2 घंटे में गेम चेंज कर दो, सो एक्चुअल CET गोना टू बी दी इजियर द वन विच यू आर राइटिंग दी मॉक, ठीक है। मैनुअल का जो मॉक है 1 to 2 स्टेप अहेड है कंपेयर टू द एक्चुअल CET एग्जामिनेशन, और मैंने तो आपको बहुत क्लियर भी बता दिया क्या पेपर आने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो 56-70% पेपर आपको पता है कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है एज पर द एनालिसिस ऑफ द रिसेंट CET एग्जामिनेशन, जो अभी लॉ 5 ईयर्स का हुआ आपका, बाकी अभी BEd का भी एग्जाम होगा, सो विल गिव द अपडेट फॉर द सेम, ठीक है। डोंट सेलिब्रेट बिफोर यू फिनिश, एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम लिख के पैर बाहर निकाला आपने तब जा कर के आपको, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने पेपर अच्छा लिखा है फोड़ा है और आएगा स्कोर तो अच्छी बात है, देन सेलिब्रेट, अदरवाइज माई एडवाइज इज रिजल्ट तक वेट कर लो भाई, रिजल्ट आ जाएगा, अच्छा स्कोर बन जाएगा अपना, फिर अपन सेलिब्रेट करेंगे, क्या प्रॉब्लम है। कीप बूस्टेड टिल द एग्जामिनेशन, एग्जाम जब तक नहीं हो जा रहा है चार्ज रहो, अवॉइड लो स्कोर डीमोटिवेशन, स्कोर कम आने पर काफ़ी जनता ये होती है कि डीमोटिवेट हो जाती है, सर अभी क्या करें, मतलब ऐसा लगता है कि बस ये जो स्कोर है यही स्कोर आपका एक्चुअल CET में आने वाला है, नॉट रियली, हो सकता है CET आप में आप ज़्यादा बेहतर कर जाओ, एक्चुअली आपको ये समझने की जरूरत है जो 2-1 घंटे का पेपर है ना वहाँ पे आपका ये खोपड़ा आपका दिमाग कैसे काम करता है, हाउ यू परफॉर्म, हाउ यू गिव योर 200%, वो मैटर करता है, ठीक है। फिगर आउट योर एग्जाम डे स्ट्रैटेजी, मतलब मैं सेक्शन वाइज क्या अटेम्प्ट करूंगा, हर सेक्शन में कितना टाइम दूंगा, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन मुझे छोड़ देने हैं, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन मुझे पहले सॉल्व करने, कौन से क्वेश्चन मुझे लास्ट में सॉल्व करने, ये सब चीज़ें आपको फिगर आउट पहले से करके रख लेनी है। इसके साथ मेरा एक और एडवाइस है कि भाई मॉक जो है 2 तारीख को एग्जाम है अपना, तो 1 तारीख बहुत हो गया, 1 तारीख का फर्स्ट हाफ भी हो गया, सेकेंड हाफ में आप मॉक मत लिखो, हाँ बट मूवी जरूर देखना, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, माई फेवरेट मूवी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब मोटिवेशनल मूवी देखो, या तो फिर हिंदी में आपको जग दे इंडिया, भाग मिल्खा भाग आप देख सकते हो, ठीक है। डोंट कंपेयर योर स्कोर योर प्रिपरेशन विथ योर फ्रेंड्स, मेरे इस फ्रेंड का तो अच्छा स्कोर आ रहा है यार, इसने तो यहाँ पे ये भी पढ़ाई कर लिया है, मैं भी, या तो फिर इस फलाने का प्रिपरेशन मेरे से अच्छा हुआ है, यार कंपेरिजन इज अनदर नेम ऑफ डीमोटिवेशन, आप कंपेयर क्यों करो, आप अपने स्ट्रेंथ पे खेलो और वीकनेस को मैनेज करो, यही करना अपने को, ठीक है। आपको नहीं पता कि सामने वाले का क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, यू डोंट नो, हो सकता है वो ऐसे टॉपिक पढ़ा वो जो एग्जाम में आते ही नहीं है और आपको लग रहा है कि उसमें बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेवर गिव अप, गिव अप तो करना ही नहीं है, इतने दूर तक ट्रैवल कर लिया है, अब लास्ट 7-8 दिन बचा हुआ है, यहाँ पे क्या गिव अप करें,
तो बेवकूफ़ी नहीं करनी अपने को, अपने को चार्ज रहना है, मोटिवेटेड रहना है। स्कोर कम आए ज़्यादा आए, कोई टॉपिक पढ़ के हुआ है नहीं हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 7 दिन हम मेहनत करेंगे। तो नेक्स्ट 7 डेज ये सारी चीज़ें करनी है आपको। मॉक लिखो, मॉक की एनालिसिस अच्छे से करो, जीके पे काम करो, स्टैटिक करंट अफेयर्स। लेट मी टेल यू, इस साल करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा आया हुआ है, तो करंट अफेयर्स पे भाई मेहनत कर लेना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अवार्ड्स हो गए, गो एंड वॉच द एनालिसिस ऑफ एनालिसिस वीडियो फॉर 5 ईयर्स सीईटी, ठीक है। करंट अफेयर्स 6 मंथ का वीडियो भी देख ले तो मैन्यूर के पोर्टल से मोर देन सफिशेंट। कंसेप्ट पे काम करो और रिवाइज करो, ठीक है। तो मॉक को लेके जीके का प्रोग्राम या फुल कोर्स प्रोग्राम सारे वीडियोस देख के एक बार रिवाइज करना है। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। हर दिन को प्लान कर लो, 10 से 12 घंटे में पढ़ूंगा, ठीक है। डे वन मेरा ये प्रिपरेशन होगा, डे टू ये होगा, डे थ्री ये होगा, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग वाइज आपका प्रिपरेशन प्लान कर लो, ठीक है। सो याद रखो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक सीटी क्रैक नहीं करेंगे तब तक रिलैक्स नहीं करने वाले, कंफर्ट जोन में नहीं आना, ठीक है। बाकी और भी कुछ डाउट क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू पीपल। बट हाँ, अभी 7-8 दिन भाई सब चीज़ों से दूर हो जाओ और फुल फोकस में लग जाओ सीईटी की प्रिपरेशन को लेके, बिकॉज ये जो स्कोर आएगा ना आपका सीईटी में, यही इसके थ्रू ही अपने को एडमिशन मिलने वाला है कॉलेज में। तो स्कोर कम आया तो फिर कॉलेज भी छोटा वाला मिलेगा, स्कोर अच्छा आया तो डिसेंट लेवल का कॉलेज मिलेगा। और लाइफ में लॉ तो एक ही बार करने वाले हो, तो अच्छे कॉलेज से करो, ठीक है। चलो प्रिपेयर करो अच्छे से, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।